हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के सामने बोनलेस चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा ये अलग लगेगा क्योंकि मेजॉरिटी में या रेस्टोरेंट में जब आप खाने जाते हैं तो बोन वाली चिकन बिरयानी अक्सर मिल जाती है, लेकिन मैं बोनलेस चिकन बिरयानी आप लोगों से शेयर करूँगी और बहुत ही झटपट ईजी वे में इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले उसके लिए हम लोग चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। इसके लिए मैंने 400 ग्राम्स चिकन लिया है और इसमें सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 चम्मच दही, 1 थोड़ा सा नमक, ये है लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, बस इतना ही हम लोगों को ऐड करना है और इसको हम लोगों को रख देना है 15 से 20 मिनट तक मैरिनेट होने के लिए। इसको अच्छी तरह से हम लोग चला लेंगे और चलाकर इसको मैरिनेट होने के लिए 20 मिनट तक आप रख लीजिए। 15 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 20 मिनट इसको रख रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है इसमें ऐड हो जाए। और इसको अभी हम लोग ढक के रख देंगे। ये देखिए हो गया ये। अब इसको हम लोग कवर कर देंगे और इसको हम लोग रख देंगे। ये देखिए अब हम लोगों को चावल की तैयारी कर लेनी है। जब तक हमारा चिकन मैरिनेट हो रहा है तो ये मैंने पानी उबलने को रख दिया था, पानी ऑलरेडी बॉयल हो रहा है। इसमें थोड़ा सा हम लोग नमक ऐड करेंगे, ये करीब आधा चम्मच मैंने इस चम्मच से नमक ऐड किया है। और इसमें हम लोग डालेंगे 2 चम्मच घी बस, और 400 ग्राम चिकन था उसके लिए मैंने 300 ग्राम्स चावल लिया है, बासमती राइस है ये। इसको धो के मैंने रख लिया था और अब इसको हम लोग पानी में, उबलते पानी में ऐड करेंगे। याद रखिएगा ठंडे पानी में आपको चावल नहीं उबालना है, आपको चावल उबालना है बिल्कुल खौलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल हमारा खौल रहा है और इस खौलते हुए पानी में हम लोग जो है अब चावल ऐड करेंगे और इसको करीब हम लोगों को 3/4 पकाना है, पूरा हम लोगों को नहीं पकाना है। इसको हम लोगों को 3/4 पकाना है, पूरा नहीं पकाएंगे इसको हम लोग। एक बार चला दीजिएगा इसको बस, और ये जब 3/4 पक जाए तो इसका पानी हम लोगों को निकाल देना है। ये करीब 15 मिनट लगेगा हम लोगों को चावल को पकाने में, जब तक हम लोग मसाले की तैयारी दूसरी शुरू कर देंगे। ये देखिए चावल मेरा अच्छी तरह से पक गया है, लेकिन इसको 3/4 ही पकाना है। ये देखिए पूरी तरह से चावल नहीं पका है, 1/4 अब हम लोग इसको चिकन के साथ पकाएंगे। 3/4 ये पक गया है और इसका जो पानी है वो हम लोग अब छान के निकाल लेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चिकन को फ्राई करना और मसाला भूनना। तो सबसे पहले मैंने देखिए तेल रख दिया है, तेल हमारा गर्म हो गया है अच्छी तरह से और अब इसमें हम तेज पत्ता मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ये दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, इसके बाद ये 4 इलायची छोटी वाली, जायत्री और ये थोड़ा सा शहजीरा। ये होते ही अब हम लोग को इसमें ऐड करना है ओनियन। गैस का फ्लेम तेज कर देंगे, ये हो गया है थोड़ा सा, हम लोग को इसमें ऐड कर देना है ये कटे हुए करीब, ये मैंने 3 छोटी छोटी प्याज ली थी ओनियन,
इसको मैंने कट कर लिया है बहुत ही बारीक बारीक लंबा लंबा, और अब हम लोग इसको तेल में भून लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमको इसको भूनना है। पाँच मिनट लगेगा इसको भूनने के लिए, उसके बाद हम लोगों को बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। ये देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन कलर की हो रही है, हो गई है, और अब हम लोग इस स्टेज पे स्टार्ट करेंगे मसाला ऐड करना। सबसे पहले मैं सबसे पहले इसमें डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, इसके बाद बाकी के मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, ये है बिरयानी मसाला, बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट क्योंकि आप बिरयानी बना रहे हैं तो बिरयानी मसाला चाहिए ही चाहिए। ये है घर की बनी हुई लाल मिर्च पाउडर, ये एवरेस्ट का लाल मिर्च, ये सिर्फ हम लोग कलर के लिए डाल रहे हैं, और ये गरम मसाला थोड़ा सा बस, और अब हम लोग इसको लास्ट में हमारी टोमेटो प्यूरी और थोड़ा सा हम लोग अभी और ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा ये भून जाए 2 मिनट, उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे चिकन, और गैस का मीडियम फ्लेम आप रखेंगे। पानी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो हम लोग 2-3 मिनट भूनेंगे उसके बाद चिकन ऐड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है मसाले का, इसको हम लोगों ने 5 मिनट भून लिया है। अब हम लोग इसमें मैरिनेट किया हुआ जो चिकन है वो हम लोग इसमें ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम लोग 15 मिनट तक पकाएंगे। आपको पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पानी चिकन जो हम लोगों ने इसमें ऐड किया है उससे अपने आप से ही पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो जैसे जैसे आप भूनेंगे वैसे वैसे ही पानी उसका निकलना शुरू हो जाता है। उसी पानी में हम लोगों को 15 मिनट तक चिकन को पका लेना है। ये देखिए कितना अच्छा हम लोगों का मसाला भून के रेडी है। 5 मिनट अभी इसको और चिकन को ज़रा पकाना है ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसमें मैं ऐड कर दे रही हूँ दही करीब 4 चम्मच, बस चलाते हुए 5 मिनट इसको और पकाना है। थोड़ा सा चिकन और अच्छी तरह कुक हो जाए फिर हम लोग इसमें चावल की लेयर इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखिए हम लोगों का चिकन अच्छी तरह से पक के ये तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोग चावल ऐड कर देंगे, चावल की लेयर लगा देंगे और 5 मिनट के लिए इसको और पकाएंगे और गैस की फ्लेम अब स्लो करेंगे। हमारा चावल भी देखिए बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं बिल्कुल चावल एक एक इसकी दाने देखिए चावल के अलग अलग बिल्कुल दिख रहे हैं। 1/4 हम लोगों को चिकन के साथ पकाना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं लेयर। इस तरह से फैलाते हुए धीरे धीरे हम लोग इसको ऐड कर देंगे।
उसके बाद अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ये 2 चम्मच है शुद्ध घी, ये हम लोग ऐड कर देंगे इसमें 2 चम्मच घी, और ये थोड़ी सी हरी धनिया, बस। और इसको हम लोग अब बंद कर देंगे कुकर को, और 5 मिनट के लिए और हम लोग इसको पका लेंगे। गैस का फ्लेम तेज, 1 सीटी सिर्फ इसको लेनी है, और 1 सीटी के बाद हम लोगों की बिरयानी बिल्कुल रेडी। ये देखिए चिकन बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार। कैसी लगी मेरी रेसिपी? झटपट रेसिपी है ये चिकन बिरयानी, बोनलेस चिकन बिरयानी बनाने की। एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, और बहुत फटाफट ये बन जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।